बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आने वाले बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की इस वक्त उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिल्ली के पास में सटे हुए इलाके के अंदर एक कथा चल रही है और इस कथा के दौरान का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के अंदर यह देखा जा रहा है कि एक युवती को वहां के जो लोग हैं वो उठाकर दूसरे बैरक में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त वो वीडियो देख पा रहे हैं जो मेरे साइड में चल रहे हैं। और ये वीडियो बागेश्वर बाबा की इस धाम का बताया जा रहा है जहां पर एक युवती वहां पर पहुंचती है और वो एक बैरक से उठाकर, वैसे तो किसी भी महिला को पुरुष के द्वारा हाथ लगाया नहीं जाना चाहिए जब वहां पर पुलिस के अधिकारी और तमाम लोग तैनात हैं, तो अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती रही हो तो उस महिला को दूसरी तरफ से या दूसरे रास्ते से भेजा जा सकता था, लेकिन उस महिला को उठाकर फेंका जा रहा है। और इस मामले के आपको बता दें कि सामने आने के बाद लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला है। यहां के किसान नेता राजकुमार भाटी अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि मैं ग्रेटर नोएडा का जिम्मेदार नागरिक हूं और इस नाते मैं इस दुष्कृत्य पर अत्यंत शर्मिंदा हूं। और वीडियो में दिख रहा है कि कथित बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का गुंडा एक बहन को उठाकर कूड़े की तरह फेंक रहा है, और जिससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि पुलिस के अधिकारी चुपचाप देख रहे हैं। कृपया ग्रेटर नोएडा इस मामले के अंदर संज्ञान ले, ग्रेटर नोएडा पुलिस को भी उन्होंने टेक किया है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने, यानी कि जिसने ये वीडियो वायरल किया है, वो आपको बता दें कि रचित त्रिपाठी एक पत्रकार है, उन्होंने वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं बागेश्वर बाबा धाम की कथा में एक व्यक्ति को बैरिकेडिंग के ऊपर से बाहर फेंका गया है। नोएडा में एक किशोरी को बैरिकेडिंग में ऐसे फेंका जा रहा है जैसे कूड़े की पोटली हो। धन्य हो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जिनके नाक के नीचे उनके गुंडे ऐसा दुष्कृत्य कर रहे हैं, क्या गलती होगी इस किशोरी ने। तो ये आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल वीडियो किया है। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो कथा हो रही है उस कथा के दौरान ये युवती वहां पर पहुंची थी और उसको यहां पर उठाकर फेंका जा रहा है और लोग पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मिले कृष्ण वीडियो नई अपडेटों के साथ, लेकिन इस मामले में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया वो कमेंट करके